हम लोग इस समय दक्षिणी इजराइल के एसड्रोट के इलाके में है। ये गाजा पट्टी के बेहद निकट है और यहाँ पर इजराइल की सेना ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और टैंक है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इनकी मंशा एक ही है, इनकी कोशिश एक ही है कि जैसे ही इन्हें आदेश मिलता है तो ये किसी भी समय गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इजराइल की सेना इस समय गाजा पट्टी के निकट जहां पर फेंस तीन चार जगह उसमें ब्रीच था वहां पर पूरी तरह से उनकी तैनाती है। उनके टैंक्स वहां पर तैनात है ताकि अब हमास के लड़ाके और आतंकवादी इस तरफ ना आ सके। वैसे ही एक सेना की टुकड़ी वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात है और बाकी सेना की टुकड़ियां यहां पर तैनात है। F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों से पूरी तरह आकाश में निगरानी रखी जा रही है। हमास के जितने ठिकाने हैं उन पर भारी बमबारी भी चल रही है। ठीक मेरे पीछे अगर आप इस तरफ भी देखें तो सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार इस सड़क पर आ भी रही है। इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि दक्षिण इसराइल का ये इलाका जो पिछले 3 दिन में हमास के कब्जे में काफी इलाके थे, अब पूरी तरह इसराइल की सेना वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करे, वहां पर रिजर्विस्ट को तैनात किया जाए और उसके बाद एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू किया जाए हमास के आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश यह है कि हमास अब किसी तरह से इजराइल के लिए आने वाले समय में खतरा ना हो, उसकी तैयारी मेरे पीछे पूरी है। गौरव सावंत, दक्षिणी इसराइल आज तक।